हे दोस्तों, वेल कभी कभी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, बट इसको इंग्लिश में कैसे बोले, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। रविवार को कौन सा तारीख पड़ता है, बुधवार को कौन सा तारीख पड़ता है, या नहीं तो ऐसे ही बोलते हैं मंथ के साथ, डेट के साथ। 2 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ता है, 26 जनवरी को कौन सा दिन पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो कुछ पढ़ना, कोई डेट हो या कोई दिन हो, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं फॉल ऑन का, फॉल ऑन। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे विच, विच के बाद लगाएंगे डे या डेट। अगर दिन जानना चाह रहे हैं तो डे लगाइए, अगर तारीख जानना चाह रहे हैं, डेट जानना चाह रहे हैं तो डेट लगाइए। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा फॉल्स ऑन। वर्ब नंबर 5, फॉल का वर्ब नंबर 5 क्या था, फॉल्स। फॉल्स ऑन को राइट करने के बाद आप लोगों को लगाना पड़ेगा नेम ऑफ द डे या डेट या मंथ, मींस उस दिन का नाम राइट करना है या उस तारीख का नाम राइट करना है महीने के साथ। अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और लिखते समय क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। बहुत सारे व्यूवर जो है जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो में ऐसे जनरली बोलता नहीं हूँ, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी किया कीजिए वीडियो को, ताकि सब्सक्राइबर और बढ़े। मेहनत तो काफी कर रहा हूँ लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। सो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, रविवार को कौन सा तारीख पड़ता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विच डेट फॉल्स ऑन संडे, विच डेट फॉल्स ऑन संडे। नेक्स्ट सेंटेंस, बुधवार को कौन सा तारीख पड़ता है, विच डेट फॉल्स ऑन वेंसडे, विच डेट फॉल्स ऑन वेंसडे। अब इसको वेंसडे पढ़ा जाता है, वेडनेसडे नहीं, ये गलत हो जाएगा, वेंसडे। नेक्स्ट सेंटेंस, 2 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ता है, तो इसके लिए बोलेंगे विच डे फॉल्स ऑन 2nd अक्टूबर, विच डे फॉल्स ऑन 2nd अक्टूबर। नेक्स्ट सेंटेंस, 26 जनवरी को कौन सा दिन पड़ता है, इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा विच डे फॉल्स ऑन 26 जनवरी, विच डे फॉल्स ऑन 26 जनवरी। एक आज इसी जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।